जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें अपनी लाइफ से जाने देना उतना आसान नहीं होता। जिंदगी हमेशा अलग अलग मोड़ पर आपको उनकी याद दिलाती रहती है और आप उनके पास खींचे चले आते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी ब्यूटीफुल सी थीम पर बेस्ड मैरिज इज अ क्रेजी थिंग एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की रिलेशनशिप को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया गया है, जो कई लोगों को गलत लग सकती है और कई लोगों को सही। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर यंग को देखते हैं। उसकी आज एक फ्रेंड की शादी थी, उसकी मदर भी आई थी, तो उसे लगता है कि यंग की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मदर ने यंग के एक फ्रेंड से बात की, कहा इसके लिए भी एक अच्छी लड़की ढूंढ देना। अब इसी वजह से फ्रेंड यंग की एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर देता है। उस लड़की ने केएफसी के सामने न्यूज़पेपर हाथ में रखकर खड़ा होने के लिए कहा था। बहुत टाइम हो जाता है पर फिर भी वो लड़की वहाँ पर नहीं पहुँचती। वहाँ पर और एक लड़का था जो सेम न्यूज़पेपर हाथ में रखकर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर और गुजर जाने के बाद वो लड़का अनाथ हो गया और वहाँ से वो चला जाता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आई जिसका नाम था यूनी। यूनी कहती कि मेरी बस चली गई थी, इसी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। ये दोनों स्लोली स्लोली एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। वो वहाँ पर टेम्परेरी जॉब करता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं, कैसे तैसे कर अपने आप का वो ख्याल रख सकता है। यंग ने हमसे कहा कि जिस तरीके से ब्लाइंड डेट्स होती है उसी तरीके से ये डेट भी हमारी ज़रा ऑकवर्ड थी, पर वो भी बहुत सारी डेट्स पर गया हुआ था तो इस वजह से एक दूसरे से वो अच्छी तरीके से बात करते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक मूवी देखने के लिए आए। मूवी देखने के बाद यूनी ने कन्फेस किया कि कल भी मैं एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी, कल भी मैंने यही मूवी देखी थी। इस मंथ में वो बहुत बार ब्लाइंड डेट पर जा चुकी है। उसे शादी तो करनी है पर अब उसे लगता है कि अगर शादी करने के लिए इतने सारे ट्रबल उठाने पड़े तो क्या ये वर्थ इट है। यंग भी समझ गया कि वो बोर हो रही है, तो इस वजह से जिस तरीके से हर डेट पर वो रूटीन फॉलो करता था आज वो नहीं करता। ये दोनों मिलकर ड्रिंक के लिए जाते हैं। यूनी आज बहुत ड्रंक हो गई थी, इन्होंने बहुत सारी बातें की, रात में आज लेट हो चुका था, इन्हें टैक्सी भी मिल नहीं रही थी। यंग कहता है कि हम आसपास के मॉडल पर चलते हैं। यूनी कहती कि ठीक है क्योंकि इतनी रात में टैक्सी का फेयर भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद दोनों मॉडल पर आए और इंटीमेट हो जाते हैं। यंग ने पूछा कि जो दूसरा लड़का था जिसके हाथ में न्यूज़पेपर था, क्या वो भी तुमसे मिलने के लिए आया था। यूनी कहती कि हाँ, वो मुझसे कल रात इंटरनेट पर मिला था। यंग ने कहा कि तुम्हें उससे ही मिलना चाहिए था, वो स्मार्ट था, अमीर लग रहा था। मुझे लगता है कि तुम वहाँ टाइम पर पहुँच गई थी, तुमने हम दोनों को देखा और तुमने मुझे चूज किया। अगर मेरे पास भी यही चॉइस होती तो केएफसी में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी उसके साथ आज मैं यहाँ होता। यूनी ने कहा कि अगर वो तुम्हारे साथ होती तो तुम फिर से वंडर करते, अगर मेरे साथ डेट पर जाते तो क्या होता। यंग इस पर बहुत हंसता है। नेक्स्ट टाइम यंग को अपने कॉलेज में पढ़ाते हुए देखते हैं। वहाँ पर एक स्टूडेंट थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, उसने फिर उसे अप्रोच किया। कहती है कि आपने जिस वीडियो के बारे में बताया था, क्या मैं आपके साथ वो देख सकती हूँ? अगर आप आपके डिस्क नहीं देना चाहते तो आपके घर पर आकर मैं देख सकती हूँ। यंग के पास वैसे भी ज़्यादा कोई चॉइस नहीं थी तो इसके लिए वो हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग अपने फ्रेंड और फ्रेंड की फियांसे के साथ डिनर पर आया हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है कि अब तुम्हें भी सेटल हो जाना चाहिए, कितने दिनों तक तुम इसे ब्लाइंड डेट पर जाते रहोगे? पिछली ब्लाइंड डेट का हुआ क्या था, तुमने इसके बारे में भी मुझे नहीं बताया। यंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता पर उसे यूनी की याद आई थी। यूनी का ही फिर उसे कॉल आ गया, उसने कहा कि कल मैं फ्री हूँ, हम मिल सकते हैं। यंग भी इसके लिए एक्साइटेड था। ये दोनों फिर बाइसिकल की राइड पर गए। यूनी ने कन्फेस किया कि सच में यंग उसे उस दूसरे न्यूज़पेपर वाले से अच्छा लगा था। इसके बाद ये दोनों एक होटल में आए और इंटीमेट हो जाते हैं। यंग फिर कहता है कि चलो हम मॉल में चलते हैं, उसके नेफ्यू का बर्थडे था तो उसे गिफ्ट लेना था। यूनी भी इसके लिए एक्साइटेड हो गए। मॉल में आकर घर का जो भी सब सामान होता है ये सारा कुछ वो देख रही थी। इन दोनों को एक साथ देखकर सेल्स वुमन कहती है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आगे चलकर ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। यंग ने कहा कि हम दोनों एक्चुअल में बहुत अच्छे लगते हैं, हम इस तरीके से पूरी लाइफ एक दूसरे से मैरिड होने का प्रिटेंड कर सकते हैं, सिर्फ वीकेंड्स पर एक दूसरे से मिलेंगे, हमारे फ्रेंड्स मेरी मदर को लगेगा कि हम एक्चुअल में मैरिड कपल है। यूनी भी इस पर बहुत हंसी, कहती है मैं हमेशा तुम्हारी मदर फ्रेंड से कंप्लेंट करूंगी कि तुम घर में कुछ भी काम नहीं करते। जिस तरीके से मैरिड कपल हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट करते रहते हैं उसी तरीके से हम प्रिटेंड करेंगे। इन दोनों को लगता है कि हर मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन दोनों की अब जो रिलेशनशिप है वो मैरिज के बाद नहीं रहेगी। इसके बाद रात में एक बहुत ही हाइटेड रेस्टोरेंट पर आए जहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। यंग कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गॉड को हमेशा इसी तरीके से ब्यूटीफुल व्यू दिखता होगा। फिर उसने आगे कहा, पर इस मोमेंट में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे लगता है कि तुम ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो।
यूनी को ये बात बहुत पसंद आई थी। कहती है, मैरिज में हमेशा इसी तरीके से प्रिटेंड करना पड़ता है, एक दूसरे से हमेशा अच्छी बातें करनी पड़ती है। अब घर जाते वक्त यूनी ने उसे कहा, मेरी और एक ब्लाइंड डेट है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? यंग ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। वैसे भी उसे लगता है इन दोनों में कभी भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती। वो यूनी से कहता है, तुम शादी नहीं तो एक पैकेज ढूंढ रही हो, तुम्हें एक वेल सेटल हस्बैंड चाहिए जिसके साथ तुम बहुत ही सेफ रह सको, जो मैं तुम्हें कभी भी दे नहीं सकता। अगर हम दोनों ने शादी की तो हम कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे पर चीट करते रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से झूठ कहते रहेंगे। इस तरीके का मैरिज उसे नहीं चाहिए। यंग को लगता है कि यूनी जो मैरिज करना चाहती है यह आइडिया ही गलत है। यूनी ने कहा कि तुम जो कह रहे हो सब कुछ सच है, पर मैं मैरिज में अच्छी तरीके से प्रिटेंड कर सकती हूँ, ये सब कुछ बहुत ही ठीक है। वो कहती कि मैं चीट करूँगी पर कभी भी पकड़ी नहीं जाऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी में थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। यंग की जो स्टूडेंट थी, एक दिन वो रिवर के पास उसके साथ मूवी देखती है। उसने उसे किस कर लिया, कहा कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। पर यंग उसे उतना रिस्पॉन्स नहीं देता। स्टूडेंट ने पूछा, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? यंग कहता है कि हाँ। वो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में यंग फिर से अपने फ्रेंड और फ्रेंड की फियांसे के साथ बार में आया हुआ था। कल ही उन दोनों की शादी थी पर ये दोनों बहुत झगड़ रहे थे। उसका फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। फिर से उन दोनों की फाइट हो गई और उसके फियांसे वहाँ से चली गई। फ्रेंड यंग से कहता है कि मैं अपने आप पर डाउट कर रहा हूँ, क्या मुझे सचमुच में शादी करनी चाहिए? कल मैं अगर शादी में ना हो तो ज़्यादा सरप्राइज मत होना। अगले सीन में उसकी शादी हो जाती है। बहुत सारे दिन बीत चुके थे, यंग यूनी से नहीं मिला था। उसे पता था इस मैरिज में यूनी आएगी ही। वो हर जगह पर सिर्फ उसे ही ढूंढता है। फाइनली उसे वो दिख गए। मैरिज हो जाने के बाद ये सारे मिलकर हैंग आउट कर रहे थे। उस दिन यंग ने यूनी के साथ अपने नेफ्यू के लिए 5 टर्टल्स गिफ्ट लाए थे। वो यूनी से कहता है कि उसमें से एक टर्टल गुम हो गया, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, क्या तुम मेरे साथ फिर से एक टर्टल बाय करने के लिए चलोगी? यूनी कहती कि जब 5 के पास खो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए फिर से बाय कर दूंगी। इसके बाद मूवी में और टाइम गुजर चुका था। यूनी को भी यंग की याद आई थी तो उसे कॉल करती है। ये दोनों फिर से मिलते हैं। यंग उसे कहता है, मैं सारे टर्टल गुम होने का वेट कर रहा था ताकि मैं तुमसे मिल पाऊँ। आजकल यूनी एक डॉक्टर को डेट कर रही है। यंग उसे कहता है कि तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें इससे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी मिल सकती है। इन दोनों ने फिर से आज एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। यूनी उसे पूछती है, क्या हम कोई होटल बुक करें? यंग कहता है, मैं मेरी मदर को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाने वाला हूँ। ये दोनों हॉस्पिटल पहुँचे, यंग अकेला ही जाने वाला था, पर उसे कहता है, क्या तुम भी मेरे साथ आ सकती हो? यूनी भी इसके लिए हाँ कहती है। वो मदर से मिली और मदर को भी वो बहुत पसंद आई थी, उनके लिए एप्पल छील देती है। यंग सोचता है कि हम सब लोग कितने परफेक्ट लग रहे हैं, एक फैमिली की तरह। इसके बाद ये दोनों एक होटल में आ गए, फिर से एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मूवी में अब फिर से थोड़ा सा टाइम गुजर चुका था। यूनी की शादी उस डॉक्टर से फिक्स हो गई थी, पर फिर भी वो यंग को मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती कि हम दोनों में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। हमें एक घर लेना था, हम इस पर बहुत मन से झगड़ रहे हैं। अगर पहले ही इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है तो मैरिज के बाद कितनी होगी? यंग इस पर हंसता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड और उसके फियांसे के साथ भी यही हुआ था, वो मैरिज के पहले बहुत झगड़ रहे थे। तुम भी राइट ट्रैक पर हो, अब तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी। यूनी कहती कि मैं उससे उतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं हूँ। यंग उसे बहुत अच्छा लगता है पर इन दोनों में शादी नहीं हो सकती। इसके बाद यूनी उसके साथ शॉपिंग मॉल पर गए, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें बाय करती हैं। अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर यंग को दिखाती है। अपने हस्बैंड के साथ जो उसने घर बाय किया था, यहाँ पर वो यंग को लेकर आई। यूनी उसे कहती है, हम दोनों के मैरिज का सब्जेक्ट तुमने इतनी जल्दी क्यों ड्रॉप कर दिया था? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो इसके लिए थोड़ा सा फाइट करती है। यंग ने कहा कि मैं मैरिज में हमेशा तुमसे झूठ कहता, उसे इस तरीके की रिलेशनशिप नहीं चाहिए। यूनी को यहाँ पर भी उसके साथ इंटीमेट होना था पर यंग उसे मना कर देता है। वो फिर उसे बीच के पास लेकर आई, कहा कि ये हमारा हनीमून है। वो उसकी हमेशा बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती है। ये बीच के पास फ़ोटोज़ लेते हुए खेलते हुए एक अच्छा सा डिश पेंट करते हैं। एक साथ ही इन्हें रात हो गए। पास ही गाँव था जहाँ पर एक रूम उन्होंने रेंट कर लिया। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में डायरेक्टली यूनी की शादी हम देख सकते हैं। यहाँ पर यंग भी आया हुआ था। उसकी शादी देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। यंग हमेशा यूनी की फ़ोन कॉल का वेट करता था। उसे लगता था कि कभी ना कभी तो उसे कॉल करेगी ही, और एक दिन एक्चुअल में उसने उसे कॉल कर दिया।
उसने इमेजिन किया था यूनि अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या करती होगी, उसके लिए खाना बनाती होगी, वो अपने आप को फिट रख सके, इसलिए स्विमिंग भी उसने ज्वाइन कर ली होगी। जब वो यूनि से मिला तो ये सारी चीज़ें उससे वो पूछ लेता है, और एक्चुअल में यही सब हो रहा था। उसने पूछा कि मैरिज तुम्हें लगता कैसे है। यूनि ने कहा कि हम दोनों मिलकर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमेशा दिन का एक ही रूटीन होता है, ये चीज़ें उसे अच्छी तो लगती है पर सब कुछ बहुत ही बोरिंग है, इसी वजह से आज वो यंग से मिली थी। उसने यंग से पूछा क्या तुम अभी भी अपने फैमिली के साथ रहते हो। यंग कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, इस वजह से उसे घर पर ही रहना पड़ता है। यूनि कहती कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, इससे तुम अच्छा घर रेंट कर सकते हो। यूनि ने उसे पैसे दिए और नेक्स्ट सीन में यंग के घर पर होती है। उसके पूरे घर में अलग अलग चीज़ें वो बाय करती है, अपनी तरीके से उसका पूरा घर उसने सजा दिया था। ये सब बाय करते वक्त यूनि को अपने हस्बैंड का कॉल आता है, जिससे वो हमेशा बहाना बना देती है कि वो क्लासेस पर है, कुछ अलग अलग चीज़ें कर रही है। अब इसी तरीके से यूनि का यंग के साथ फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया था। उसके पास वीकेंड्स पर आती थी और वाइफ की तरह ही दो दिन उसके पास ही रहती थी। पास के ग्रोसरी स्टोर में भी सब लोगों को लगता था कि हस्बैंड वाइफ ही है। यूनि ने यंग से कहा कि जैसे तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों वीकेंड के कपल बनेंगे, अब तो यही बात सच हो गई है। ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। यूनि की चीज़ें भी यंग के घर पर अब रहने लग गई थी, जैसे कि दो टूथब्रश। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन उसे शेव भी कर दे रही थी। यूनि को कुछ काम था तो यंग का मेल उसने ओपन किया, जहाँ पर उसे स्टूडेंट का मेल दिखता है। ये स्टूडेंट फिर से यंग को मिलने के लिए बुला रही थी। यंग यूनि से कहता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। यूनि ने कहा कि टिपिकल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो नहीं लगती, उसे ज़रा जेलस लग रहा था। यंग इस बात से गुस्सा हो गया, कहता है तुम अपने हस्बैंड के साथ क्या करती हो, इसके बारे में मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं करता। तुम जब मेरे पास आते हो तो हमेशा मैं उसका सेंट तुम पर स्मेल कर सकता हूँ, पर मैं कभी भी कुछ भी बोलता नहीं। यूनि को भी गुस्सा आ गया और यहाँ से जा रही थी। यंग कहता है तुम हमेशा यहाँ से इस तरीके से चली जाती हो, पर तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं है। इस फाइट के बाद ये दोनों बहुत हर्ट हो गए थे। यंग ने उसे बोल भी दिया था कि फिर से यहाँ पर वापस मत आना। थोड़े दिन बीत गए और यंग का बर्थडे आया। उसे कॉल आया पर ये उसकी मदर का था, उसे वो विश कर रही थी। जाने से पहले यूनि ने उनके कपड़े धोकर बाहर डाले थे। अब बारिश आ रही थी तो सारे कपड़े भीग जाते हैं। यंग अपने लिए नूडल्स लेने के लिए बाहर गया था। जब वापस आया तो देखता है कि बाहर के कपड़े अब घर में हैं। उसे अच्छा लगा कि यूनि वापस आ चुकी है। उसने उसके लिए केक भी लाया था। वो यूनि को गले लगा लेता है। तभी उसे कॉल आ गया जो उसके हस्बैंड का था। आज वो जल्दी घर आ चुका है। यूनि कहते हैं मुझे वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। वो यंग के साथ ये बर्थडे स्पेंड कर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रीवियसली यंग की जिस फ्रेंड की शादी हुई थी, यंग आज उसे मिलने के लिए आया हुआ था। आजकल फ्रेंड और उसकी वाइफ में बहुत सारे झगड़े चल रहे थे। यंग उसे कहता है तुम्हें अपने मैरिज के लिए फाइट करना चाहिए, तुम्हें ज़रा एफर्ट्स डालो। यहाँ पर हम यंग के कैरेक्टर डेवलपमेंट को देख सकते हैं। पहले वो किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं था, अब वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए रेडी था। जब वो वापस घर पर आया तो यून ही उसका वेट कर रही थी। इन्हें अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनि को लग रहा था अगर उनके फ्रेंड एक साथ मैरिज में खुश नहीं है तो उन्हें एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए। यंग कहता है कि सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, क्या तुम ये चीज़ कर सकती हो। यूनि कहती कि हाँ मैं कर सकती हूँ, पर यंग ने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं कर सकती। यंग कहता है कि प्लीज़ यहाँ फिर से वापस मत आना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ, 1xBet। इस वेबसाइट पर आप फ्री में लाइव मैचेस देख सकते हो, स्पोर्ट्स में बेटिंग कर भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और टेल्स ये प्रोमो कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। लिंक या प्रोमो कोड से अगर आप साइनअप करते हो तो आप जो भी डिपॉजिट करोगे उस पर 130% एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। तो जाकर एक बार इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। मैं तो आपसे फ्री के मैचेस यहाँ पर ही देखूंगा। पर नेक्स्ट सीन में फिर से उसके साथ ही थी। वो हमेशा उन दोनों की जो भी फोटोज लेती है इसका एल्बम रेडी कर रही थी। उसने लंच बनाना स्टार्ट किया पर यंग कहता है आज मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना। वो जैसे अकेला रहता है इंस्टेंट नूडल्स खाता है जो बहुत ही अनहेल्दी है और यूनि को उसका ये खाना पसंद नहीं, पर आज वो यही खाना चाहता था। उसे पता है कि यूनि हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी। जब वो नीचे लेने के लिए गया तो स्टोर ओनर कहती है तुम्हारी वाइफ तो इंस्टेंट नूडल्स लेकर गए। वो सिर्फ सेशन में लेकर ऊपर आ जाता है। इन दोनों की रिलेशनशिप एक मैरिड कपल की तरह ही थी। इस बात से यंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। यूनि के साथ हमेशा नहीं रह सकता। यूनि ने जो फूड बनाया था इसमें से कुछ भी टेस्ट नहीं करता। इस बात पर इन दोनों की बहुत बड़ी फाइट हुई। यूनि ने भी सब चीज़ें रियलाइज़ की।
उसने कहा कि अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे तो सही नहीं होगा। इस वजह से अब वो फिर से उसे नहीं मिलने वाली थी। एक दूसरे को गुड बाय कहने से पहले फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यूनि ने उसे कहा कि अगर मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आए तो प्लीज़ मुझे घर में मत लेना। यंग कहता है कि अगर तुम फिर से वापस आए तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। यूनि के जाने के बाद यंग ने मूव ऑन करने का ट्राई किया पर हमेशा उसकी याद उसे आ जाती है। यूनि ने उनका जो एल्बम बनाया था जब वह देखता है तो रियलाइज़ करता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट थे। उनकी रिलेशनशिप एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं थी पर फिर भी ये बहुत ही यूनिक थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब फाइनली हम मूवी में देखते हैं यूनि फिर से यंग के पास वापस आ गई थी। उसके पास उसके घर की चाबी थी और वो अंदर चली जाती है। जैसे कि प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि यंग ने उससे कहा था कि अगर तुम फिर से वापस आए तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। तो इस बार जब यूनि वापस आई है तो खुद भी वापस नहीं जाना चाहती और यंग भी इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यूनि हमेशा के लिए अपने हस्बैंड को छोड़कर आई हुई थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इनकी रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। इस मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू सबको अलग अलग लग सकता है, किसी को सही किसी को गलत। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।